मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम के पिपरिया में बड़ा रेल हादसा होने से टला। कोयले से भरी मालगाड़ी की कपलंग हुई अनकपल, चलती ट्रेन दो भागों में बटी। समय रहते टल गया हादसा। देखें आलोक हरदेनिया की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। पिपरिया रेलवे स्टेशन से महज कुछ मीटर की दूरी पर अगर आप मेरे पीछे ये देखेंगे तो ये भारतीय रेल की मालगाड़ी है और ये मालगाड़ी कोयला लेकर जा रही थी, लेकिन इसी बीच रेलवे की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। कपलिंग का ज्वाइंट टूट गया, बीच में से अलग हो गई, मतलब आधे डिब्बे इस तरफ चले गए और आधे डिब्बे इस दिशा में चले गए। फिर उसके बाद में रेलवे के अधिकारियों ने आनन फानन में जाकर और इस ट्रेन को फिर से कपलिंग की जा रही है। रेलवे के अधिकारी इस समय मौजूद हैं यहाँ पर और आप देख सकते हैं कि रेलवे की लापरवाही के कारण अगर जो हादसे होते हैं तो कहीं ना कहीं रेलवे के अधिकारी इस मामले में अपनी जिम्मेदारी लेने से भी बचते देखे जाते हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है, आखिर ये कपलिंग के जो ज्वाइंट हैं इनको रेलवे कब जाकर दुरुस्त करेगी कि इस प्रकार की किसी प्रकार की कोई दुर्घटना ना हो। कैमरा पर्सन सुशील पटवा के साथ आलोक हरदेनिया, पिपरिया।